आप देख रहे हैं विचार और प्रांत। जैसा कि बात करेंगे बरेली में जाम की, तो जी जाम इस वजह से लगते रहा है कि हम आपको बताते चले कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने लॉन है, एक आम लॉन देख रहे होंगे। अब आम लॉन नहीं, यही नहीं है, पीलीभीत रोड पर स्थित लगभग दसियों लॉन ऐसे होंगे जिसके बाहर जो है अवैध रूप से वाहन खड़े रहते हैं। हालांकि हम आपको बताते चलें कि जो इसकी सीमा है, वो सीमा हम आपको बताते हैं, जो नगर निगम की जो सीमा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो नाला है, ये नाला यहाँ से शुरू होता है, ये नगर निगम का नाला शुरू होता है यहाँ से, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जो अवैध जो पार्किंग है यहाँ पर। हालांकि जब भवन निर्माण शुरू होता है तो साफ तौर पर ये कह दिया जाता है, जब वीडियो से इसका नक्शा पास होता है तो ये बताया जाता है कि हम पार्किंग कहाँ पर देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं किसी भी चीज़ का, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जो अवैध वाहन जो यहाँ पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, यही नहीं, ये तो आम लॉन है और तमाम यहाँ पर होटल है इस रोड पर, लेकिन जो अवैध रूप से जो पार्किंग है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रुका हुआ है। इसी वजह से शाम को हम आपको बताते हैं, जब भी कोई पार्टी वगैरह होती है यहाँ पर, जो फंक्शन होते हैं, तो उस टाइम में ये रोड पूरा जाम हो जाता है। और रोड की हम दूरी आपको दिखा सकते हैं, ये आप कब्जे की बात करेंगे, जी हम थोड़ा सा कब्जे की बात करेंगे, तो कब्जा आप देख सकते हैं कि यहाँ तक का इन्होंने हरियाली जो है इनकी, ये यहाँ तक इन्होंने लगा रखा है। और बात करेंगे बैरिकेडिंग की, तो ये जो रोड है ये नगर निगम की रोड है, पीडब्ल्यूडी की रोड होगी, लेकिन जब आप बैरिकेडिंग देख सकते हैं, ये प्राइवेट बैरिकेडिंग है यहाँ इनकी, और ये बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों के लिए बैरिकेडिंग कर दिया गया है यहाँ पर, कि आप यहाँ तक का वाहन खड़ा कर सकते हैं। लेकिन रोड का जो पैमाइश है, रोड आप देख सकते हैं कि डिवाइडर से रोड यहाँ पर कितना कम बचता है। जी हाँ, शाम को अगर आप कभी भी यहाँ पर दिखाएंगे हम आपको कभी शाम का भी नज़ारा, लेकिन आज हम दिन में ये दिखाने आए हैं कि कितना इंक्लोजमेंट जो सरकार की जो ज़मीन है उस पर प्राइवेट जो भवन बने हुए हैं यहाँ पर, जो इसका कितना इंक्लोजमेंट है यहाँ पर। हम और भी भवनों का निरीक्षण करेंगे और दिखाएंगे आपको। आप देख सकते हैं जो ये भवन है, और इसी के बाहर का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे अभी। ये बैरिकेडिंग भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके का बैरिकेडिंग यहाँ पे किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं फार्म लॉन है, जी हाँ, ये पीलीभीत रोड पर है और नाला, जी हाँ, आप ले चल रहे हैं आपको नाले के पास, कि नाला की दूरी और सड़क की दूरी कितनी है, और जो सड़क पे इंक्लोजमेंट है इसका वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कितना है। गाड़ियाँ तो आप देख ही सकते हैं, ये अवैध रूप से यहाँ पर खड़ी हुई हैं। जिस भवन का कोई जब निर्माण होता है, तो निर्माण में साफ तौर पर बताया जाता है कि यहाँ पर पार्किंग बनेगी, और यहाँ पर जो नक्शा पास होता है इनका, लेकिन नक्शे को तो दरकिनार कर, नक्शा दरकिनार कर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इंक्लोजमेंट है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना लंबा एरिया जो है जो नगर निगम और पीडब्ल्यूडी का है, वो किस तरीके से अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा किया हुआ है। जी हाँ, फार्म लॉन के बाद हम पहुँचे हैं रोड के ठीक सामने, इसी के फ्लोरा गार्डन है। आप देख सकते हैं कि नाले की जो ये पटरी पड़ी हुई है, ये नाला है यहाँ पर, और नाले के बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे कि जो इंक्लोजमेंट है इनका, ये कितना बड़ा जो इन्होंने कब्जा कर रखा है, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। फिर रोड देखिए, रोड जो है हमारा ये पतला हो रहा है, जो रोड आप देख रहे हैं ये बहुत पतली हो रही है, लेकिन जो यहाँ का जो एरिया है ये कितना बड़ा हो रहा है। और आप देख भी सकते हैं कि वाहन लगातार यहाँ पर खड़े होते हैं, और जो इनका जो सजावट का जो भी सामान है यहाँ पर, जो सजावट का जो भी सामान है वो नाले के बाहर, जो कि नगर निगम या पीडब्ल्यूडी के दायरे में आता है। और आप ये भी देख सकते हैं कि नीचे जो टाइल्सें लगी हुई हैं, ये इनकी प्राइवेट लगी हुई है, ना कि सरकारी लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कि जितना भी एरिया है पूरा गार्डनिंग किया हुआ है, बाकायदा गार्डनिंग की हुई है। देखिए, आगे बढ़कर हम एक लॉन की तरफ और पहुंचे हैं, ये सेलिब्रेशन लॉन देख सकते हैं आप। यहाँ भी वही नज़ारा आपको दिख रहा होगा, जो कि और पीछे जो भी आप देखते हुए आए लॉन वगैरह, यही नज़ारा आपको यहाँ भी दिख रहा होगा कि बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, पार्किंग की व्यवस्था इनके पास भी यहाँ पर नहीं। जी हम पहुँच गए पीलीभीत रोड के ठीक बीसलपुर चौराहे पर, और आप देख सकते हैं कि होटल किंग्स हेरिटेज, ये आप इसका इंक्लोजमेंट देख सकते हैं कहाँ तक है ये, और जो नाला है वो काफ़ी पीछे है, और नाले के बाहर जो अतिक्रमण है वो लगातार यहाँ पर पार्किंग के नाम पर हो रहा है।
हालांकि इन्हें भी भवन बनाते समय कहीं ना कहीं बीडीए ने पार्किंग की व्यवस्था जरूर दी होगी, कहीं ना कहीं इन्होंने नक्शे में ज़रूर दिखाया होगा, लेकिन यहाँ अगर पार्किंग के नाम पर कुछ देखें तो कुछ नहीं दिख रहा है। जी हाँ, फिर हम पहुँचे हैं पीलीभीत रोड पर। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है वो बिल्डिंग बनी हुई है फर्नीचर पैलेस के नाम से, और यहाँ पर भी आपको जो वाहन है वो बाहर ही दिख रहे होंगे। यहाँ भी कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, 2-3 माले की बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें भी कहीं पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं दी गई है। हालांकि हम बार बार आपको यही बात बताते हुए चले आ रहे हैं कि जब बिल्डिंग का नक्शा पास होता है तो बीडीए में कहीं ना कहीं पार्किंग ज़रूर दिखाई जाती है। और यही नहीं, ये तो हमने अभी तक जो दिखाया था, हमने आपको ये प्राइवेट भवनों का दिखाया था, लेकिन अब हम चलेंगे सरकारी तंत्र के ऊपर। जो सरकारी तंत्र जहाँ से चलते हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे एक पंजाब नेशनल बैंक की। आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक सामने पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर देख रहे होंगे आप, और जो वाहन अवैध रूप से जो खड़े हैं इस बिल्डिंग के, जो अवैध वाहन खड़े हैं ये भी आप देख सकते हैं कि कहाँ तक का वाहन खड़ा हुआ है यहाँ पर। और रोड जितना नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पर इंक्लोजमेंट आप देख सकते हैं। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं रोड का जो एरिया है ये कितना है यहाँ पर, और जो इंक्लोजमेंट का जो एरिया है वो कितना है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से वाहन यहाँ पर जो अवैध रूप से खड़े हैं, हालांकि बिल्डिंग इनकी है या नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन बिल्डिंग जिससे भी इन्होंने लिया है वो उसने कहीं ना कहीं पार्किंग ज़रूर दिखाया होगा, लेकिन यहाँ पर पार्किंग की बात करें तो बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर पार्किंग आपको कहीं पर नहीं दिख रहा होगा, पार्किंग ठीक बिल्डिंग के बाहर। आप देख सकते हैं जो आरके टावर आपको जो दिख रहा है उसके नीचे कैनरा बैंक दिख रहा होगा। जी हाँ, इसी में पासपोर्ट ऑफिस भी है, पासपोर्ट ऑफिस जो कि पूरे सेंट्रल का यहीं पे आके बनता है, और आप उसके बाहर भी देख सकते हैं कि किस तरीके का जो वाहन जो खड़े हुए हैं वहाँ पर, वो किस तरीके से वाहन खड़े हुए हैं ये सभी। हालांकि इसकी पार्किंग नीचे है, इस बिल्डिंग में पार्किंग नीचे बना रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी किस तरीके से बाहर वाहन, अवैध वाहन खड़े हो सकते हैं, खड़े हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं।